सभी भाई को जय श्री महाकाल भाइयों। तो रात में मंदिर पे रुका था, तो देख सकते हैं यहाँ से घृष्णेश्वर अब 50 किलोमीटर है और पहाड़ की चढ़ाई है, पहाड़ है, तो इस चक्कर में यहाँ आके रुका हूँ। पीछे 40 गांव था, 40 गांव पे रुकना था मेरे को, लेकिन वहाँ पे कल जन्माष्टमी बन रही थी, मटकी फूट रही थी, बहुत भीड़ थी, बहुत ही सुंदर मेला चल रहा था, लेकिन मैं भीड़ के चक्कर में सो नहीं पाया था। किसी ने मेरे को लोकेशन सेंड करी थी कि पहाड़ से पहले आश्रम आएगा, तो ये हनुमान जी का मंदिर है, तो देख सकते हैं। बाकी हमारे दो दोस्त, ये मुझसे गुस्सा रहती है, देखो भगेगी, बाकी वो मेरा दोस्त, इनको भोजन पानी करवा दिया है। बाकी सामने हमारे बालाजी महाराज है, जिनकी शरणों में आके यहाँ के सोए थे हम। जय श्री बालाजी महाराज, हर हर महादेव। देखिए हमारे बालाजी महाराज है, जय श्री माँ, हर हर महादेव बाबा, हर हर महादेव। ये हमारे भोले बाबा, देखिए बोरे हमारे भोले बाबा, जय भोले बाबा की, हर हर। ये हमारे गणपति महाराज, ओ गणपति महाराज कह रहा हूँ, हमारे नंदी महाराज, हर हर महादेव। ये हमारे भोले बाबा, बोरे गणपति महाराज। तो भाई यहाँ हवा बहुत तेज चल रही है, नहाया सुबह, ठंड सी लग रही थी, सुबह पाँच बजे उठ गया था, सोच रहा निकलूँगा, लेकिन नहीं, ठंड के मारे निकला नहीं। मैं 7 बज रहे हैं अब, चाय के लिए बाबा जी चाय बना रहे हैं, चाय पी के फिर निकलूँगा, नहा धो लिया। बाकी ये बाबा जी से मिलाता हूँ मैं आपको, चलते हैं। हर हर महादेव बाबा जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम। देखो बाबा जी ने चाय बनाई है, ये चाय पी के फिर निकलेंगे। और रात यही सोए थे, रात किस टाइम आया था मैं, किस टाइम आया था रात, क्या टाइम बजे, 9 बजे के टाइम पे आए, 9 बजे। देखो चाय आ गई, 9 बज गए थे करीब, आते आते मेरे को, अब चाय पी लें, चाय पी के फिर निकलेंगे यहाँ से। और थोड़ा क्योंकि यहाँ पहाड़ था, थोड़ा जंगल का, थोड़ा बोला था मेरे का, थोड़ा ध्यान से तो सुबह निकलना, इस चक्कर में पहाड़ की चढ़ाई नहीं करना। तो अब मैं चाय पीने जा रहा हूँ, चाय पी के फिर निकलते हैं। बाकी हमारी गौ माता हो रही, देखिए बहुत सारी गौ माता है, तो चले चाय पी ले फिर निकलते हैं आगे। तो मैया दर्शन कर लिए हैं मंदिर में भी, तो तार फंस गए, तो मैया अब चले आगे की ओर, क्योंकि हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, भोले बाबा का त्रिशूल। और सामने ढाबा था, वहाँ भी चाय पी थी, और यहाँ भी चाय पी है, बस भैया से पानी की बोतल ले लूँ, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ूँगा तो पानी नहीं मिलेगा, तो इस चक्कर में अभी पानी ले ला के रख लूँ, एक छोटी वाली बोतल रख लेता हूँ, बाकी ऊपर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। वैसे 10 किलोमीटर का पहाड़ है मेरी मियाँ, बाकी ये दुकान है, देखते हैं भैया पे पानी की बोतल छोटी वाली मिलती है नहीं मिलती। और महादेव भैया, छोटी वाली पानी की बोतल है भैया, छोटी वाली पानी की बोतल, पानी बोतल है ना, हाँ छोटी वाली पानी की बोतल दो जरा। तो भैया के पास भी चाय पी थी मैंने सुबह, भैया दुकान खोल लेते, और भैया से पानी की बोतल लेके फिर आगे की ओर निकले, क्योंकि टाइम हो रहा है। अरे जेब में तो हाथ मारे, कौन से में पैसे डाले थे मैंने, बैग में से निकालने पड़ेंगे। हर हर महादेव। मेरी भैया पानी की बोतल ले ली है और 2 बिस्कुट ले लिए, क्योंकि बिस्कुट अपने ले ली, मेरे दोस्त मिल जाते हैं, दोस्त मतलब कि कुत्ते मिल जाएंगे, उन्हें मैं अपना दोस्त कहता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। वैसे ज़्यादा लंबा पहाड़ भी नहीं है, 9 किलोमीटर का पहाड़ है, और हवा बहुत तेज़ चल रही है, आप देख सकते हैं कैसे चल रही है, बहुत ही तेज। और यहाँ पे रात में इस मारे मैंने पार नहीं करा था, क्योंकि मुझे पहले ही बोल दिया था यहाँ जानवर का खतरा है, तो इस चक्कर में थोड़ा ध्यान से रहना, तो बाघ वाघ का खतरा है, क्योंकि ये पहाड़ है, इस चक्कर में मैं यहीं सोया था। तो मैया, तो आप लोग देख सकते हैं इस बोर्ड पे लिखा भी है बंदर का, हिरन का और बाघ का। भाई अभी दस पंद्रह दिन पहले जब गुजरात के महाराष्ट्र के बॉर्डर पे था, तब वहाँ भी बाघ ने शिकार करा था, एक लेडीज़ का और एक बच्चे का, वहाँ भी पहाड़ों के पास बाघ का खतरा था। तो भैया वो बोल रहे थे शाम को 6 बजे से पहले अपने रुकने की व्यवस्था देख लो, इस चक्कर में यहाँ पहाड़ के पास आके रुका था आश्रम पे। अब यहाँ से निकलूँगा, खड़ी चढ़ाई है एकदम ज़बरदस्त, फिर चलते हैं आगे की ओर, हर हर महादेव करते हुए। ये देखिए वाले पहाड़ पे जाना है, और ऐसे घूम के जाएगा भी है, चलते हैं आगे की ओर। तो आप देख सकते हैं चढ़ाई चालू हो गई है, ये रहा कट, ये पहाड़ पे चढ़ना है मेरे को, ये गाड़ी चढ़ रही है, और बाकी इधर सब जगह बाघ का, बाघ की फ़ोटो लगा रखी है, देखिए हर जगह। और देखिए चढ़ाई चढ़ रही है, और हम भी चढ़ रहे हैं, चलते हैं आगे की ओर,
धीरे धीरे करते है। तो मेरे महाकाल देख सकते हैं, पहाड़ पे चढ़ गया हूँ, अभी भी थोड़ी सी चढ़ाई करी है मैंने, नीचे से चलकर आया हूँ। यहाँ नीचे आश्रम है, वहाँ रुका था और आगे की ओर जा रहा हूँ। बाकी देख सकते हैं आप कितना प्यारा नज़ारा है। अरे अरे महादेव, अभी पहाड़ों पर चढ़ना है, अभी और चढ़ाई है, अभी चलना ही चलना है। और उस मंदिर पर रुका था, ये देखिए इस आश्रम और मंदिर पर रुका था, बिल्कुल वो भोले बाबा त्रिशूल देखिए हमारे भोले बाबा का। अय्या, तो मेरे महाकाल, चलते आगे की ओर, बाकी गाड़ी आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है पहाड़ों पे चलने में। बाल सूख गए, अभी बाल भी बांधूंगा क्योंकि बाल बहुत बड़े हो रहे मेरे। अभी तक तो कोई बंदा पैदल वाला दिखा नहीं, बाकी गाड़ी दिख रही है। और यहाँ पे ट्रक अलाउ नहीं है क्योंकि ट्रक का इंश्योरेंस भी मिलेगा अगर खाई बाई में गिरता है ट्रक। तो ट्रक वाले बता रहे थे, तो कल चाय वाय पी रहा था, वो बता रहा था अगर ट्रक यहाँ से जाते नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं मिलता ट्रक वालों को, अगर गिर गए तो ट्रक निकालेंगे नहीं वो, इस चक्कर में यहाँ छोटी गाड़ी चलती है, बड़ी गाड़ी चलती नहीं है। कार वार या छोटा टेम्पू बस, इससे ज़्यादा बुलेरो, इससे ज़्यादा कोई गाड़ी चलती नहीं, बाइक वाइक। बाकी यहाँ बस चलती है और ट्रक एक भी नहीं दिखेगा। बाकी बस भी वो भी चलती है, गिनी चुनी बस चलती है, बाकी बस वो भी नहीं है। और बाकी देखिए वो, देखिए वो गाड़ी की छत पे बैठ के जा रहा है लंगूर। इधर देख सकते हैं कितने सारे लंगूर है, वो ऊपर जा रहे हैं, हर हर महादेव। और बाकी ये खाई है, ये देखिए क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है ट्रक वरक, तो वैसे मैं आपको बता रहा था। बाकी अभी लंगूर गाड़ी की छत पे बैठ गया था और आगे बैठ के जा रहा था छत पे, फिर आगे कूदा है। तो देखिए ये रे लंगू महाराज हमारे, उधर भी है बहुत सारे हैं, ये देखिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। वो रे देखिए, हर हर महादेव। वो देखिए, हम थोड़ा आराम तो चलेंगे क्योंकि ये थोड़ा गुस्से में रहते हैं। महादेव रक्षा करना। बाकी अब जाके एक बस दिखी है, जब से कोई बस भी नहीं थी। बाकी आनंद आ रहा चलने में, पूरा आनंद लेके मज़े लेके चल रहा हूँ। बारह ज्योतिर्लिंग, ये देखिए ये बैठे भाई सब सारे, हर हर महादेव करते हुए, ये देखिए। और देखिए सारे खट्टे आ गए एक साथ, और चले धीरे धीरे करते हुए। और बाकी चढ़ाई चल रही है, चढ़ाई चलते चलें। तो आप देख सकते हैं बस कितना लोड मांग रही है चढ़ने में, ये देखिए बस जा रही है। और भाई और मेरे महाकाल, उधर से पहाड़ के पीछे से आ रहा हूँ, उधर ही पहाड़ के बिल्कुल पीछे वाला पहाड़ चढ़ कर आया हूँ पूरा। अब इस वाले पहाड़ पर आया हूँ तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, जितना ऊपर चढ़ रहा हूँ उतनी कैड़ी धूप लग रही है। और बाकी आप देखिए ये रास्ता है, दिल खुश हो गया, रुका नहीं हूँ जब से नीचे से चला हूँ, जब से चढ़ ही रहा हूँ धीरे धीरे करके। अब तक 4-4.5 किलोमीटर चढ़ गया पहाड़ों पर, अब थोड़ा सा रह गया। और ये देखिए ये सांप का बच्चा है, ये मरा भी है, देखिए ये छोटा सा सांप का बच्चा था, ये देख सकते रोड किनारे, ये मरा भी था, छोटा बच्चा बिल्कुल बारीक। और बाकी चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर लोग बाग बोल रहे थे कि भाई जल्दी पार करना, कि बाघ वाग का थोड़ा खतरा, फिर दूसरा प्लस यहाँ अभी तक कोई दुकान नहीं दिखी 4-4.5 किलोमीटर में, जबकि पहाड़ों पे कोई ना कोई दुकान दिख जाती है। नीचे से मैंने पानी वानी ले लिया था अपने लिए। और बाकी चल रहा हूँ आगे की ओर, ये देखिए हरियाणा नंबर गाड़ी चल रही है यहाँ पर, दिल्ली नंबर, हरियाणा नंबर गाड़ी भतेरी मिल जाएगी कई स्टेट में, क्योंकि NCR में बंद है ना 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी, तो अदर स्टेट में हमारी दिल्ली NCR की गाड़ी मिल जाती है, NCR की। और बाकी चलते हैं आगे की ओर, देखिए ये पूरा जंगल वाला पहाड़ चल रहा है, कोई दुकान नहीं दिखी, चाह थोड़ी देर बैठ जाऊँ। तो चलते हैं आगे की ओर। मेरे महाकाल, अब जाके मंदिर दिखा है भैरव बाबा जी का, हर हर महादेव बाबा, भैरव बाबा का मंदिर है ना ये, और ये रखा हमारा बैग। और जो भी गाड़ी आती है अधिकतर यहाँ पे, जितने भी बस वाले आ रहे हैं पैसे चढ़ा के जाते हैं अधिकतर, और यहाँ पे देख सकते हैं पैसे चढ़ा के जाते हैं। बाकी बाबा जी यहाँ परमानेंट रहते हैं, आप परमानेंट रहते हैं यहाँ पे? परमानेंट। किस टाइम जाते हो घर पे? शाम को 8 बजे। और सुबह किस टाइम आते हो? सुबह छः बजे आते हैं और 8 बजे जाते हैं, जब तक इनकी ड्यूटी बाबा जी के साथ ही रहती है, बाबा जी की सेवा करते हैं।
ये देख सकते हैं ये बस आ रही है और मैं वहां से आया था बिल्कुल वो रहा वो पहाड़ वो देखिए बोरी दुकान देखिए और देखिए बस आ रही है। ये देखिए बस बस वाले भैया पैसे चढ़ा के गए हैं। जो भी बस आती है ये बाबा जी पैसे उठाएंगे। देखिए कोई पैसे क्योंकि रुकती नहीं है चढ़ाई पे, इस चक्कर में देखिए वो पैसे डाल के गए हैं। तो जो भी बस या गाड़ी आती है वो पैसे चढ़ा के जाते हैं यहाँ पर। जितने भी लोग होते हैं अधिकतर जो यहाँ के लोकल के हैं, जितनी भी गाड़ी आती है सब पैसे चढ़ाते हैं क्योंकि देख सकते हैं जय श्री महाकाल। और बाकी मैं उधर से आया था, मैंने आपको दिखाया वो देखिए एक बारी और वो देखिए वो रहा छोटा सा एकदम वो रहा वहाँ से आया था, वो दुकान दिख रही है छोटी सी। अब चलते हैं आगे की ओर, बहुत देर विश्राम कर लिया। चलें बाबा, हर हर महादेव, जय भैरव बाबा की। मेरे महाकाल देख रहे हैं, टाइगर राजा धन्यवाद कर रहे हैं। वो देखिए अब सीमा समाप्त हो गई मेरे ख्याल से, थोड़ा सा रह गया, अब प्लेन रास्ता आ जाएगा और बोर्ड भी नजर आ रहा है, टावर भी आ गए क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहे थे। अब जियो एयरटेल के दोनों के टावर आ रहे हैं, बहुत तेज हवा चल रही है। तो वो देखिए वो बोर्ड आ गया, हर हर महादेव। तो चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं अब जाके मेरे महाकाल चेक पोस्ट आई और बोर्ड आया। ये देखिए तिरुपति बालाजी का भी है 1187। मेरे महादेव देखिए अब कोई ढाबा आया है और ये चेक पोस्ट आई है। पता नहीं चाय मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आगे तक चलेंगे, पूछते हैं चाय है नहीं है। बाकी चलते हैं ढाबे की साइड और चेक पोस्ट आ गई। आगे भी वैसे भी कोई ना कोई ढाबा ज़रूर होगा, तो हर हर महादेव करते हैं। और देखिए येरी चेक पोस्ट, अभी प्लेन रास्ता आ गया, खेती बाड़ी वाला आ गया है, वो पूरा पहाड़ चढ़ के। चाय नहीं मिली, आगे की ओर चलते हैं। अब रास्ता आसान हो गया है क्योंकि प्लेन रास्ता आ गया, चढ़ाई ख़त्म हो गई। अभी अभी बंद पड़े हैं, पता ही नहीं लग रहा पहाड़ के ऊपर हैं, बगल में नीचे ढलान है, ऊँचाई पर आ गए। और बाकी देखिए अभी ढाबे बंद पड़े हैं और बाकी रास्ता, ये बाइक स्कूटी ख़राब हो गई, चाचा के कितने सारे पेड़ लेके जा रहे हैं लकड़ी जलाने के लिए। हम भी चलते हैं आगे की ओर, इधर ट्रक अलाउड नहीं है इस रोड पे। तो इस हमारे देखिए ट्रक वाला आ गया था, ये वापसी जा रहा है, यहाँ से ट्रक नहीं जाते नीचे। तो चेक पोस्ट है, सिर्फ गाड़ियाँ जा सकती है और बस जा सकती है, छोटे मोटे व्हीकल और बस के अलावा, बड़े व्हीकल में बस जा सकती है, इसके अलावा कोई बड़ा ट्रक नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिक्सी वाला मामला है। वो हाईवे बहुत ज़्यादा पहाड़ बहुत ज़्यादा रिक्सी है, वेस्ट बंगाल का था ये ट्रक। देखिए ये वापसी अब नीचे घूम के जाएगा दूसरी साइड से। तो हम भी चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे कोई चाय की दुकान पड़ती है। तो मेरे महाकाल देखिए, अब ये पहाड़ों के बीच में, मतलब कि साइडों में जंगल है और बीच में गाँव है छोटे छोटे। ये देखिए हर हर महादेव, ये पीछे भी गाँव पड़े हैं, ये रे गाँव। और बाकी चल रहा हूँ, अभी जहाँ बैठा था भैया मिले थे, वो बता रहे थे, मैंने पूछा यहाँ बाघ वाघ का खतरा रहता है, तो बता रहे हाँ भाई बाघ का खतरा रहता है, क्या पिछले महीने अभी एक लड़के का शिकार किया है, तो सुबह जाके उसकी डेड बॉडी मिली थी वन विभाग वालों को। तो इस हमारे यहाँ पे रात को थोड़ा खतरा ऐसी है क्योंकि बगल में आप देख सकते हैं, बगल में उधर पहाड़ है, इधर पीछे पहाड़ है, ये पहाड़ी पहाड़ चल रहे हैं बगल में पूरे। और बाकी चलते हैं आगे की ओर, जिधर से मैं आया था वो नीचे की साइड में और ये ऊपर पहाड़ी के साइड में ऊपर का एरिया है। और दिल खुश है, बाकी इतनी सारी गाय वाय आ रही है, हमें साइड होना पड़ेगा नहीं तो ये डर जाएंगी। हर हर महादेव, मैं जा रहा तुम इधर ही चलो, तो ये डर जाएंगी अगर मैंने साइड ही नहीं हुआ तो, ये मेरे को देख के मेरे को खुद साइड होना पड़ेगा। और बाकी देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, हर हर महादेव। भाई साफ साफ लिखा भी था, ध्यान से भाई, ध्यान से जाना और जल्दी पार करना। पर ठीक है, महाकाल साथ में। और बाकी चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं कहीं रुकने की, थोड़ी देर विश्राम करेंगे। 10 किलोमीटर से ऊपर चल गया हूँ, पहाड़ चढ़कर आ गया हूँ, अब प्लेन रास्ता है सारा ये पहाड़ पे। तो चलते हैं आगे की ओर। अरे महाकाल देखिए, अब जाके दुकान आई है साई कृपया। हर हर महादेव भाई। तो भाई कौन सा गाँव है ये? सांबरवाड़ी महाराष्ट्र में।
यहाँ से घृष्णेश्वर, घृष्णेश्वर कितना रह गया? 40 किलोमीटर। हाँ 40 किलोमीटर। तो मेरे महाकाल अब 40 किलोमीटर रह गया। तो भैया के पास बैठ के थोड़ी देर फिर आगे की ओर निकलूंगा। बाकी देखिए वो पहाड़ चढ़कर आया हूँ मैं, और बाकी ये रास्ता जा रहा पीछे की ओर, और ये महाराष्ट्र है, पूरा महाराष्ट्र के अंदर ही हूँ। बस थोड़ी सी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर रह गया मेरे महाकाल। भैया ने रोक लिया है, वो कह रहे हैं नाश्ता करके जाना, रोटी भी ले, पैसे भी ले। तो भैया के पास नाश्ता करके फिर आगे की ओर निकलेंगे। बैग रखे, थोड़ा बैग में वजन बढ़ रहा है, बैग उतारे, फिर नाश्ता करते हैं। तो पूछते हैं भैया क्या बना रहे हैं। भैया क्या बना रहे हैं आप? ये अरे वड़ा पाव, वड़ा पाव। तो भैया तो मेरे महाकाल देखिए, वड़ा पाव खाऊंगा मैं। अरे महाराष्ट्र में आ गए तो बड़ा पाव खाना पड़ेगा ना, वो दिल्ली वाली नकली दीदी की तरह नहीं, जो बड़ा पाव बेच रही है यहाँ मिलता है असली बड़ा पाव महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र का फेमस है, तो महाराष्ट्र का तो वैसे ही फेमस है बड़ा पाव। वो दिल्ली वाली तो बेकार है, उसकी बस की नहीं है दीदी की बड़ा पाव बनाना। अभी भैया बड़ा पाव बना रहे हैं, तो बड़ा पाव खाने जा रहा हूँ। हर हर महादेव। तो देखिए बाकी सारे भाई आ गए, इतने सारे गाँव के। हर हर महादेव चाचा, क्या नाम है आप सबका? हंजारा है। अरे यहाँ पे बाघ का खतरा है थोड़ा, जंगल वंगल के से है पीछे की साइड में, वो पीछे जंगल बता रहे थे। वो मैं पीछे नीचे ढलान पे आश्रम पे रुका था महादेव का। हाँ तो बाकी, हाँ तो बाकी ब्रेड पकौड़ा बन रहा है। ब्रेड पकौड़ा क्या कहते हैं, मैं भूल गया। बड़ा पाव देखिए, बड़ा पाव। तो भाई बड़ा पाव खाने जा रहा हूँ, महाराष्ट्र का नाटक नहीं, बड़ा पाव खा के फिर मिलते हैं। तो भाई देख सकते हैं यहाँ की बैलगाड़ी, यहाँ पे याली टायर वाली बैलगाड़ी चलती है, और पीछे भी बैलगाड़ी जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर हूँ, तो देखिए थोड़ा सा डर रही है मुझसे। ये झंडे कैसे देखिए, हर हर महादेव। ये देखो लोहे के टायर वाला, ये देखिए हर हर महादेव। और बाकी चलते हैं आगे की ओर, देखिए कितना प्यारा है, बगल में पहाड़ चल रहे हैं मेरे महाकाल। बरसात पड़ रही है देख सकते हैं, और मुझसे भैया मिलने आए यहाँ होटल पे रुका हूँ। हर हर महादेव भैया। हर महादेव। आप कहाँ से आए भैया? हम कन्नड़ से। ओ भैया आप औरंगाबाद से, तो आपने मेरे को ढूंढा कैसे? आपने लाइव से लाइव है, है? लाइव किया है ना? अच्छा इन भैया को तो रास्ते में मिला था, और आपको लाइव? लाइव। अच्छा मॉर्निंग में। तो मेरे महाकाल में लाइव आया था, मैं कम ही लाइव आता थोड़ा, तो मैं पीछे लाइव आया था, तो मैंने पोस्ट भी डाली थी, स्टोरी भी डाली थी, उस पर मैंने लोकेशन डाली थी। तो भैया सुबह ही निकल गए अपने घर से, किस टाइम निकले थे आप? 9:30। 9:30 निकले हैं, और मेरे लिए लंच लेकर आए, बनाकर देख सकते हैं पानी की बोतल, और घर के माँ के हाथ का बना भी खाना है। तो माँ, महाराष्ट्र की माँ, जन्म देने वाली माँ के हाथ का बना भी भोजन करूँगा। अब भोजन आ गया, जबकि अब यहाँ से कितना रह गया? नहीं, 35 किलोमीटर है। तो अब भोजन करने जा रहा हूँ। भैया इतने सारे केले लिए आए, मैं केले तो खाऊंगा नहीं, भाई के सम्मान के लिए केला खा लूंगा, क्योंकि अच्छा ये भाई साहब के होटल की भी सुन लो। नाम बताओ अपने होटल का। अरे आप नाम बताओ अपने होटल का, है इंडियन। ये देखिए भाई के होटल का भी सुन लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इंडियन है, अभी बरसात पड़ रही है, भाई का होटल है इंडियन, ठीक है। और अब जाके भैया नाश्ता लेकर आए, नाश्ता कर लें, फिर मिलते हैं हर हर महादेव। तो मेरे महाकाल भोजन कर लिया है, भैया के ढाबे से जा रहे हैं हर हर महादेव भैया। तो भैया के ढाबे पे रुके थे, इंडियन ढाबा है, चले हर हर महादेव भाई। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भोजन लेकर आए थे भैया हमारे लिए, थैंक यू भैया, और हर हर महादेव। कब से इंतजार कर रहे हैं आप भैया? मैं आपका 2 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, आपको 40 गाँव से उधर देखा था। अच्छा सामने मूर्ति की। तो मेरे महादेव देखिए केले लेकर आए हैं मेरे लिए, और मैं केले ले नहीं ले सकता मेरे महादेव। अभी भैया भोजन लेकर आए थे 80 किलोमीटर दूर से वीर जी, और उस बगल में एक भैया थे, वो भी केले लेकर आए थे। मैंने केला खा लिया था, लेकिन मैं भैया केला नहीं ले सकता, लेकिन आपके साथ चाय पी लूंगा, ठीक है ना। भोजन मेरे पे हैगा, देखो भोजन दे के गए, मैंने 2 ही पराठे खाए हैं, और 2 अभी बाद में खाऊंगा, क्योंकि खा के चल नहीं पाऊंगा। बाकी चलो चाय पीते आइए। तो मेरे महादेव बहुत प्यार करते हैं आप, आपके भक्त। तो देख सकते हैं ये केले लेकर आए हैं, ये 40 गाँव में देखा था मेरे को इन्होंने, और अब फिर देख रहे हैं। अब इनके साथ आगे जाके चाय पीऊँगा, मेरे महादेव बहुत प्यार मिलता है ऊपर से। ये रिमझिम बरसात हो रही है, अब यहाँ से 35 किलोमीटर रह गया, 35 या 33 किलोमीटर रह गया, तो धीरे धीरे चल रहा हूँ।
पहुंचने को तो मैं आज पहुंच जाऊंगा, लेकिन आज नहीं पहुंचूंगा। मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे माथे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा खाली हो रहे इस चक्कर में। और वो भाई चाय की दुकान पे पहुंच गया है, भाई के साथ चाय पी लूँ, क्योंकि भाई आज इतने प्यार से केले लेकर आया था। मैं नहीं खा सकता क्योंकि मैंने अभी रोटी खाई है। भैया इतनी दूर से वीर जी मेरे लिए केले लेकर आए थे, तो वो केले रखे हैं, वो केले गर्म, वो रोटी लेकर आए थे, रोटी खाई थी, और भैया के केले लेकर आया था, मैंने केले भिजवा दिए, तो भाई से भी केले भिजवा रहा हूँ। बस चाय पी लूँगा, भाई का भी सम्मान रह जाएगा। रखिए अभी रोटी खाई है, कोई नहीं, भैया के साथ चाय पीते हैं। देखिए चलते हैं। रोज वीडियो देखता हूँ आपका। रोज वीडियो देखते हो? हाँ। कैसी बनती है? इंस्टाग्राम पे किस पे देखते हो? मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी देखता हूँ ना। अच्छा, यूट्यूब पे हो क्या? हाँ, यूट्यूब आया था ना वीडियो आपका। हाँ, तो अभी यूँ कह रहे यूट्यूब पे हो नहीं हो है? यूट्यूब पे देखते रहे। मैंने सर्च किया था ना, मैं तुम्हारा नाम भूल गया था। अच्छा, कार्तिक वर्मा ऐसा कुछ नाम है ना। हाँ, कार्तिक वर्मा है। तो भैया के साथ अब चाय पीने जा रहा हूँ, भैया ने चाय बनवाई है, थोड़ी देर भैया से बात करके फिर आगे की ओर निकलेंगे, चाय पी लेते हैं क्योंकि बरसात हो रही है, रिमझिम रिमझिम। अब यहाँ से आश्रम कितनी दूर पर पड़ेगा? कोई आश्रम है? आश्रम शायद आगे है भैया। हाँ, थोड़ी सी दूर, मतलब ज़्यादा दूर है। अच्छा, टैटू पड़ेगा दोबारा रखे आपने भी? हाँ, देखो माथे पे भी टैटू करवा रखा है। तो भैया के साथ चाय पी ले, फिर आगे की ओर निकलते हैं। तो महाकाल चाय पी ली है भैया के साथ में, अब चलता हूँ आगे की ओर। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव, मिलेंगे। जय श्री महाकाल। अच्छे से जाना, उज्जैन जा रहे हो आप? हाँ, उज्जैन जा। ये महाकाल आपकी नगरी के हैं उज्जैन के? उज्जैन में कौन सी जगह के हो? उज्जैन में अपना दरगाह मंडी नहीं है, दरगाह मंडी के पास, दरगाह मंडी। आप उज्जैन ही जा रहे हो? चलो भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई। तो चले, भाई की बड़ी इच्छा थी तो इस हमारे भाई का दिल रख लिया। भाई बोल रहे थे, मैंने कोई बात नहीं यार, भाई केले वेले लिया है, उनकी साथ और साला उन पीछे खड़े हुए, तो उन्हें बाइक से उतार के मुझसे मिलने के लिए आए थे। बाकी यहीं पर ही जॉब करते हैं, मतलब कि यहीं पर काम करते हैं मूर्ति वूर्ति का महाराष्ट्र में। बाकी चलते आगे की ओर, बरसात बंद हो गई है, नहीं तो बरसात रुकने का नाम नहीं लेती। तो देखिए कैसा हो रहा मौसम, चलते हैं। तो भाइयों देखिए, ये फैक्ट्री बंद पड़ी है मेरे, तो मेरे महाकाल देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। पहाड़ के बगल में चढ़ रहा हूँ, अब ढलान आने वाली है, वो देखिए मेरे महादेव प्रभु कितना प्यारा रास्ता है। अब मैं ढलान की साइड जा रहा हूँ मेरे महाकाल, पहले चढ़ाई चढ़ी थी, अब उतराई पे हूँ ढलान पे। तो मेरे महादेव चलते हैं आगे की ओर। मेरे महाकाल, यहाँ के मौसम का कुछ नहीं पता, तो देख सकते हैं, तो मेरे महादेव देख सकते हैं, धूप निकल गई, तो अब जाके ढाबा दिखा है, वैज ढाबा। तो भैया के ढाबे पे रुका हूँ थोड़ी देर, यहीं विश्राम करूंगा, फिर आगे की ओर निकलूंगा। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव भैया। कौन सी जगह है ये? कन्नड़ हथनोर टोल प्लाजा। कौन सा? कन्नड़ हथनोर टोल प्लाजा, कन्नड़ा। तो कन्नड़ कन्नड़। तो महादेव, यहाँ भैया के पास आराम करूंगा, चाय वाय पीऊंगा, फिर आगे की ओर निकलूंगा। तो महादेव कुछ देर, तो महादेव यहाँ कुछ देर आराम करने के बाद, चाय वाय पीने के बाद जब यहाँ से निकलूंगा, बाकी ये रखा हमारा बैग, तो यहाँ कुछ देर विश्राम करने जा रहा हूँ। इतने भैया चाय बना रहे हैं, चाय पी के फिर आगे की ओर निकलूंगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा नॉनवेज का थोड़ा ज़्यादा है, तो इस चक्कर में ढाबे नहीं है ना मंदिर है। तो अब आगे मंदिर बताया भैया ने 5-6 किलोमीटर पे, तो वहीं रुकूंगा, कुछ देर विश्राम करने जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। अभी थोड़ी देर में चाय वाय पी लूँ। मेरे महाकाल, शाम हो गई है, आपके वक्त मिले। हर हर महादेव भैया, कहाँ से आप लोग अभी कहाँ से आ रहे हो आप? बेंगलोर से। आप मध्य प्रदेश जा रहे हैं अपने घर? कृषि का काम करते हैं आप? अच्छा, तो मेरे महादेव देखिए कैसे अपनी बाइक पे इतना सारा सामान लग के ले आ रही है। देखिए ये 3 बाइक है इनकी, देखिए पूरा लट के एकदम बेंगलोर से बिना हेलमेट के, बिना हेलमेट के बेंगलोर से आ रहे हैं। और इस टाइम ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कौन सी जगह? औरंगाबाद, औरंगाबाद के पास में। और बाकी भी अपने घर जा रहे हैं हम, गा रहे घृष्णेश्वर। भैया मिलते हैं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।